3000 वर्ड मीनिंग गाइज, आज की ये वीडियो इतनी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 3000 से भी ज्यादा वर्ड मीनिंग्स आपको मिलने वाले हैं, यानी कि 3000 से ज्यादा वोकैब्स मिलने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ये इस वीडियो की खास बात है कि जो भी आज मैं आपको बताऊंगी वो आपको बहुत ही आसानी से यानी कि अभी के अभी याद हो जाएंगे। वो ऐसा क्या है, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। माय नेम इज कंचन गाइज एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। अगर मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूं तो इस उम्मीद से कर रही हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये आपकी ही इंग्लिश को इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जानते हो कि एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं विलोम शब्द। क्या होते हैं? विलोम शब्द, यानी कि विपरीत शब्द। तो जैसे कि आपको गुड का मतलब पता है कि गुड मीन्स अच्छा, तो आपको इसका भी मतलब पता है कि बैड का क्या मतलब होता है। तो बैड और गुड आपने एक तरीके से साथ में सीखा और इसीलिए शायद आपको ये आज तक याद है। गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा। उसी तरीके से ट्रू मीन्स सच, तो झूठ का क्या होता है, ये क्यूरियोसिटी भी तो बढ़ती है। तो इसी तरीके से आज लर्निंग करेंगे विपरीत शब्दों के माध्यम से, यानी कि एंटोनिम को अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से उसका अर्थ याद हो जाएगा। ट्रू का फॉल्स, डेड का अलाइव और ऑन का ऑफ। इस तरीके से आज हम वोकैब्स को लर्न करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इज एब्रिविएट। इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा करना। तो बड़ा करने के लिए या लंबा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेंथन या फिर एक्सपैंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये है एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना, नफरत करना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा, विलोम होगा, वो है लाइक, यानी कि पसंद करना, अप्रूव। तो इस तरीके से देखिए, आपने एक वर्ड सीखा, उसके साथ आपने दो और वर्ड सीखे, यहाँ एक वर्ड सीखा, दो और वर्ड सीखे। इस तरीके से लर्निंग आपकी इजी होती जा रही है। चलिए जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेट, बढ़ाना, और इसका होता है रिटार्ड। नेक्स्ट इज एनालिसिस। इसका मतलब विश्लेषण या फिर विच्छेद, यानी कि किसी चीज को अलग अलग करना। तो इसका मतलब हमारा जब ऑपोजिट ढूंढेंगे तो क्या ढूंढेंगे? जो जोड़े किसी चीज को, तो वो क्या है? सिंथेसिस। अब आगे देखिए, ये है बार्बरस। इसका मतलब है असभ्य। असभ्य क्या? ऑपोजिट सभ्य, यानी कि सिविलाइज्ड या फिर रिफाइंड। नेक्स्ट इज बैरन। बैरन मतलब बंजर। अब इसका ऑपोजिट आपने देखा फर्टाइल, यानी उपजाऊ, जमीन की अगर बात करें। नेक्स्ट इज बूम। बूम का मतलब उछाल, जब किसी चीज में बहुत तेजी से बूम होता है, उछाल आता है। इसका जो ऑपोजिट है वो है स्लंप। नेक्स्ट इज कैलस। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी वोकैब्स आप सीखेंगे ए टू जी होगा, यानी अल्फाबेटिकल वे में होगा, तो आपको याद करने में, ढूंढने में भी आसानी होगी। कैलस, इसका मतलब कठिन या कठोर। तो दूसरा क्या होगा? कठोर का ऑपोजिट क्या होता है? मुलायम, सॉफ्ट या फिर टेंडर, नाजुक। नेक्स्ट इज सेंस्योर। सेंस्योर मतलब निंदा करना। अब इसका जो है ऑपोजिट वो है प्रेज या फिर कमेंड। नेक्स्ट इज कॉमन। कॉमन का ऑपोजिट, ये सामान्य हो गया, इसका मतलब इसका ऑपोजिट हो गया रेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लाई, यानी स्वीकार करना, ऑपोजिट रिफ्यूज, यानी इनकार करना। नेक्स्ट इज कंप्रेस, मतलब संक्षिप्त करना। अब संक्षिप्त करना यानी छोटा करना, तो जैसे आपने वहां देखा था, तो एक और वर्ड है इसका ऑपोजिट, एक्सपैंड, यानी कि उसे बढ़ाना। नेक्स्ट इज क्रूअल, यानी कि निर्दयी। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? जो दयालु हो, काइंड, जेंटल, सौम्य। नेक्स्ट इज डेटर। यहाँ बी साइलेंट होता है, डेप्टर नहीं पढ़ेंगे, डेटर। डेटर का मतलब होता है देनदार या फिर ऋणी। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट है क्रेडिटर। क्लियर। नेक्स्ट इज डिफेंस, मतलब रक्षा या बचाव। अब इसका ऑपोजिट ऑफेंस। होता जा रहा है ना आसान, अब आप आसानी से सीख पा रहे हैं। डिफ्लेट, इसका मतलब हवा निकालना या भाव गिराना। इसका ऑपोजिट होता है इनफ्लेट, यानी हवा भरना। नेक्स्ट इज डिस्पेयर, मतलब निराशा या विषाद। तो ऑपोजिट क्या हुआ? आशा, यानी होप। नेक्स्ट इज डिफिडेंट, इसका मतलब संकोची। अब जो संकोची है उसका ऑपोजिट क्या होगा? कॉन्फिडेंट, जो आत्मविश्वासी है, कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट इज डिलिजेंट, इसका मतलब परिश्रमी। तो अब परिश्रमी का ऑपोजिट जो आलसी हो, लेजी या फिर आइडल। नेक्स्ट इज इकोनॉमी, अब ये क्या है? अल्पव्यय या कम खर्ची। तो इसका ऑपोजिट है एक्स्ट्रावेगेंस, मतलब फिजूल खर्ची। नेक्स्ट इज इगोइज्म, मतलब अहंकार। तो इसका जो ऑपोजिट है वो है अल्ट्रुइज्म। नेक्स्ट इज इगोइस्टिक, मतलब अहमवादी या स्वार्थी। तो इसका ऑपोजिट क्या है? अल्ट्रुइस्टिक। क्लियर। नेक्स्ट इज एनमिटी। एनमिटी मतलब शत्रुता या वैमनस्य। तो इसका ऑपोजिट
फ्रेंडशिप दोस्ती, शत्रुता का ऑपोजिट फ्रेंडशिप, एक्सपैंड मतलब विस्तार करना, और कॉन्ट्रैक्ट इसका ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संकुचन करना और छोटा करना. नेक्स्ट इज एक्सर्ट, हर्षित होना या मग्न होना, इसके लिए क्या है ग्रीव यानी दुखी होना. नेक्स्ट इज फॉल जिसका मतलब है पतन, इसका ऑपोजिट राइज. नेक्स्ट इज फेलेसियस इसका मतलब मिथ्या या गलत, इसका ऑपोजिट ट्रू या फिर एक्चुअल. नेक्स्ट इज फेलिसिटी परम सुख या सौभाग्य, तो ऑपोजिट क्या होगा दुर्भाग्य, सौरो या मिसफॉर्च्यून. क्लियर. नेक्स्ट इज फेरोसियस मतलब क्रूर या निर्दयी, तो इसका ऑपोजिट माइल्ड या जेंटल जो दयालु हो. नेक्स्ट इज फॉली मतलब मूर्खता, तो इसका क्या बुद्धिमानी विजडम. नेक्स्ट फ्रूगल किफायती, अब इसका ऑपोजिट वेस्टफुल या एक्स्ट्रावेगेंट जो कि किफायत न करता हो. नेक्स्ट इज ग्लट मीन्स भरमार या प्रचुरता, इसका ऑपोजिट स्कार्सिटी यानी कमी. नेक्स्ट इज हिपोक्रेसी इसका मतलब होता है पाखंड या कपट, इसका ऑपोजिट सिंसेरिटी. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती और इसका ऑपोजिट इंडोलेंट या फिर स्लॉथफुल या फिर लेजी. अब मेहनती का ऑपोजिट तो लेजी होगा ना, आलसी. नेक्स्ट इज जोवियल मतलब उल्लासपूर्ण, ऑपोजिट मोरोज या फिर ग्लूमी जो दुखी हो. कर्नल, कर्नल मतलब गुठली या बीज, तो गुठली अंदर होती है तो बाहर जो होता है वो इसका ऑपोजिट हुआ शेल. नेक्स्ट इज लेकोनिक मतलब नपा तुला या फिर लघु, तो इसका ऑपोजिट लेंदी. तो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स याद भी करते जा रहे हैं. मॉर्बिड अस्वस्थ या रोगी, ऑपोजिट हेल्दी. नेक्स्ट इज नेब्यूलस इसका मतलब हुआ अस्पष्ट, अब इसका ऑपोजिट हुआ डिस्टिंक्ट या फिर क्लियर यानी स्पष्ट. नेक्स्ट इज नॉक्शियस मतलब अपकारक या हानिकारक, तो इसका ऑपोजिट होलसम. नेक्स्ट इज ओबेडियंट यानी कि आज्ञाकारी, ऑपोजिट डिसओबेडियंट. तो बहुत सारे ऑपोजिट तो डिस लगाने से बन जाते हैं. नेक्स्ट इज ऑब्स्टिनेट यानी हठी या जिद्दी, इसका ऑपोजिट ओबेडियंट या फिर यील्डिंग. नेक्स्ट इज पनिश यानी दंड देना, तो इसका ऑपोजिट रिवार्ड यानी पुरस्कार देना. नेक्स्ट इज क्वीर इसका मतलब होता है विचित्र, इसका ऑपोजिट क्या हुआ नॉर्मल सामान्य साधारण. नेक्स्ट इज रिपल्सिव इसका मतलब प्रतिकारक या अप्रिय, तो अप्रिय जो कि अच्छा ना लगे, तो नेक्स्ट इसका विलोम क्या होगा अट्रैक्टिव जो कि अच्छा लगता है. नेक्स्ट इज रिजिड, रिजिड का मतलब कठोर या फिर कर्कश, इसका जो ऑपोजिट है वो है फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट इज सैक्रेड मतलब पवित्र, इसका मतलब इसका ऑपोजिट है सेक्युलर प्रोफेन या फिर अनहोली यानी कि अपवित्र. नेक्स्ट इज स्प्लेंडेड भव्य या शानदार, इसका ऑपोजिट स्क्वालिड मतलब मलिन. नेक्स्ट इज ट्रायम्फ इसे बोलते हैं ट्रायम्फ मतलब विजय, इसका ऑपोजिट डिफीट. नेक्स्ट इज ट्रिवियल इसका मतलब होता है तुच्छ, ऑपोजिट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज अगली मतलब भद्दा, तो इसका ऑपोजिट ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव यानी सुंदर. नेक्स्ट इज वैकेंट मतलब कि खाली, ऑपोजिट ऑक्यूपाइड. आप कई बार कभी वॉशरूम यूज करने जाएं तो आप बाहर से ही वहां पे एक टैग देखते हैं, अगर वो खाली है तो वैकेंट लिखा होता है और अगर अंदर कोई है तो वहां पे ऑक्यूपाइड लिखा होता है. नेक्स्ट इज वेग मतलब अस्पष्ट, इसका ऑपोजिट क्लियर डेफिनेट यानी स्पष्ट. नेक्स्ट इज वल्गर असभ्य या अशिष्ट, ऑपोजिट रिफाइंड या कल्चर्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज वाइड मतलब विस्तार या फिर चौड़ा, अब इसका ऑपोजिट नैरो जो कि पतला हुआ. यील्ड मीन्स समर्पण करना, इसका ऑपोजिट रिजिस्ट या फिर फाइट. नेक्स्ट इज योक मतलब दासता, ऑपोजिट फ्रीडम या लिबर्टी यानी कि आज़ादी. नेक्स्ट इज जील मतलब उत्साह, ऑपोजिट एपथी या फिर इंडिफरेंट. नेक्स्ट इज जेनिथ मतलब उच्चतम स्थान, इसका जो ऑपोजिट है वो है नेडर मतलब कि पतन, तो जब कोई चीज ऊपर है और पतन ऑपोजिट हो गया.
ठीक है। अब आते हैं सिनोनिम्स पर। तो जिस तरीके से एंटोनिम्स एक तरीका होता है वो कैप्स को जल्दी लर्न करने का, वैसे ही सिनोनिम होता है। कई बार आप एक ही चीज़ के लिए कई डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को बोलना है वो बहुत प्यारा है तो आप क्यूट भी बोलते हैं, अडोरेबल भी बोलते हैं, ब्यूटिफुल भी बोल लेते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश की वोकैब और मजबूत होती चली जाती है ना, शब्दकोश आपका। तो उसी तरीके से सिनोनिम्स भी बहुत काम करने वाले हैं आज, अगर आप इन्हें सीख लेते हैं। तो सिनोनिम में जैसे देखिए एम्पल है, इसका मतलब होता है पर्याप्त। अब इस पे सिनोनिम की अगर बात करूं तो मैं आपके लिए बहुत सारे लेकर आई हूं। प्लेंटीफुल, एक्सटेंसिव, सफिशिएंट, कैपेसियस, लैविश, अबंडेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड एंड कमोडियस। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक वर्ड से, अब इसका आपको क्योंकि मतलब पता है, एम्पल मीन्स पर्याप्त, इन सब का मतलब सिमिलर है, पर्याप्त से ही जुड़ा हुआ है। तो जब आप इन्हें यूज़ करेंगे अलग अलग तो आपके मन में डाउट भी नहीं रह जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है और आप इन्हें आराम से यूज़ कर पाएंगे। इसी तरीके से मैं आपके लिए कई सारे और लाई हूँ। अनॉय, परेशान करना। गाइस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो आपके लिए बहुत कमाल की है, तो देखिएगा ज़रूर से। अनॉय मीन्स परेशान करना। अब इसके जो सिनोनिम्स हैं यानी पर्यायवाची शब्द जिसका एक ही मतलब होता है वो है ट्रबल, हैरेस, पेस्टर, बैजर, फॉर्मेट, वेक्स, बॉदर, मोलेस्ट, वरी, चेफ, डिस्टर्ब, टैंटलाइज, इनरेज, इरिटेट। तो इतने सारे वर्ड्स मिले आपको सिर्फ और सिर्फ इस अर्थ के लिए, परेशान करने के लिए आप इतने सारे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैंक्रप्ट, इसका मतलब होता है दिवालिया। अब इसके लिए कई सारे वर्ड्स हैं, पेनीलेस, डेस्टिट्यूट, इंसॉल्वेंट, रुइंड। अब आप आगे देखते जाइए, ब्रस्क, इसका मतलब होता है असभ्य। इसके लिए सिनोनिम्स हैं ग्रफ, एब्रप्ट, कर्ट। नेक्स्ट इज कजोल, कजोल का मतलब धोखा देना या बहलाना फुसलाना होता है। इसके लिए जो है वो है बिगाइल, फ्लैटर, ब्लैंडिश, वीडल, कोक्स, इनवेगल, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट, मतलब प्रवीण। अब इसके लिए स्किलफुल, कैपेबल, लर्न्ड, इफिशियंट, अकॉम्प्लिश्ड, क्लेवर, हो गया। नेक्स्ट इज ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ या आज्ञाकारी। इसके सिनोनिम्स हैं सबमिसिव, रेवरेंशियल, डिफरेंशियल, ओबेडिएंट, रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट इज एक्सेस, मतलब अधिकता। इसके लिए देखिए सुपर एबंडेंस, सरप्लस, सरफेट, रिमेंडर, एक्सेस, सुपरफ्लूटी, रिडंडेंस, क्लियर। नेक्स्ट इज फैंसीफुल, मतलब काल्पनिक। अब इसके लिए आप जानते हैं इमेजिनरी, कैप्रिशियस, फैंटास्टिक, अनरियल, इमेजिनेटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज जेनरस, मतलब दयालु, लिबरल, बाउंटीफुल, मैग्नानिमस, म्यूनिफिसेंट। नेक्स्ट इज हॉरिबल, मतलब भयानक। अब इसका देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, फ्राइटफुल, ऑफुल, फियरफुल, टेरिफिक, ड्रेडफुल, हिडियस, गास्टली, अगली, मॉन्स्ट्रस, रिवॉल्टिंग, रिपल्सिव, डायर, अपालिंग, ठीक। नेक्स्ट इज इनएक्टिव, मतलब आलसी। तो इसके लिए आप जानते हैं लेजी तो आएगा ही, इंडोलेंट, आइडल, लेजी, लिस्टलेस, इनर्ट, स्लगिश, टॉर्पिड, स्लॉथफुल, बिनम्ड, डायलेटरी, इनऑपरेटिव। इनऑपरेटिव मतलब जो कि कुछ कर ना रहा हो। तो गाइज यहाँ तक आपने लगभग 200 वर्ड सीख लिए और आपको पता भी नहीं चला। आपने देखा होगा कि मैंने आपको लगभग 60 ऐसे शब्द दिए जिनके विलोम बताए, तो 60 से 120, और मैंने आपको 12 ऐसे वर्ड्स दिए जिससे मैंने आपको सिनोनिम्स बताए और वो लगभग आपने इतने सीख लिए कि आपके 200 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। लेकिन आपको अंदाजा नहीं लगा कि आपने 200 वर्ड्स की तैयारी कर ली। तो गाइज अब बारी आती है कि मैं आपको बताऊं कि ये वर्ड्स मैंने कहां से लिए हैं। वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे की जितनी वोकैब्स हैं वो आप वहां से सीखने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि ये वर्ड्स मैंने उठाए हैं किताब से जिसका नाम है ऑल इन वन स्कूल इंग्लिश ग्रामर। तो गाइज इस किताब में ये सारे वोकैब्स हैं जो आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। ये बुक स्पेशली बनी हुई है कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को एक बार जरूर से परचेज कीजिएगा। तो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको वोकैब्स
कैप्स को सीखना है। अब अगर आप ये बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, यहाँ पे अब आप आएंगे 20 चैप्टर में जहाँ की एंटोनिम्स है, जैसा मैंने आपको विलोम शब्द बताया, तो ए से लेके जेड तक के सभी वर्ड्स इसमें कवर किए गए हैं। और एंटोनिम में एक तो आप देखते हैं लेकिन कई बार साथ में दो दो वर्ड्स दिए हैं, तो आप देखिए इन्हें अगर गौर से, तो नंबर वाइज एंड लेटर वाइज आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी। तो देखिए लगभग इतने आपने यहाँ देखे। अब जब हम आगे आएंगे 544 यानी कि कुल मिला के 544 वर्ड्स के विलोम आपको बताए गए हैं, तो लगभग आप ध्यान दें कि 1100 आपने यहाँ पर सीख लिया, और जहाँ जहाँ दो हैं तो लगभग आपने 1500 सीख लिए। अब आगे बढ़ेंगे और एक चीज़ बता दूँ कि उसके बाद चैप्टर के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस के जरिए आपकी लर्निंग पक्की हो जाएगी। वही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो बोल्ड में है, उसका विलोम आपको बताना है। तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़े नहीं बहुत सारे मिलेंगे। अब आगे आते हैं सिनोनिम की बात करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 19 है। और यहाँ पे आप एक चीज का अगर ध्यान दें, सिनोनिम होते हैं पर्यायवाची, जो मैंने आपको बताया, और वो सब मैंने इसी बुक से उठाए हैं, ठीक है, इसी बुक से लिए हैं। एबंडन की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक वर्ड पे कई सारे मिलते हैं, जैसे कि सरेंडर, गिव अप, क्विट, डिसकंटिन्यू, फॉरसेक। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे आपको 5 मिलते हैं और यहाँ पे आपको उससे कहीं ज़्यादा, अराउंड 10 से भी ज़्यादा आपको सिनोनिम्स मिलते हैं। तो एक वर्ड के जरिए आप कितने सारे वर्ड्स सीख लेते हैं, है ना। अब अगर आगे बढ़ूँ और मैं आपको दिखाऊँ कि ये कितने हैं, तो गाइज देखिए यहाँ पे आते हैं, ये हैं 456, अराउंड 500। इस 500 का अगर मैं 3 गुना करूं, यानी कि 3 और जोड़ूं इसमें, क्योंकि 3-3 सिनोनिम्स आप सीख रहे हैं, तो लगभग 2000। लेकिन आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर 7, 8, 9, 10 इस तरीके से सिनोनिम्स दिए हैं, तो लगभग आप इसी चैप्टर में, सिर्फ इसी चैप्टर में 4000 से भी ज़्यादा वोकैब सीख सकते हैं इन 500 वर्ड्स के साथ। उसके बाद भी यहाँ भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी कि उसको मजबूत करने के लिए, उसे पक्का करने के लिए आपके पास सवाल आते हैं। अब जैसे आपके पास ये है जुडिसियस, अब इसका आपको सिनोनिम बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो गाइज ये बुक आपके लिए बहुत ही कमाल के साबित होने वाली है। इस बुक को आप कैसे खरीद सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो जिस तरीके से ये बुक मुझे पसंद आई, आई होप कि आप सभी को पसंद आएगी, एंड आई एम श्योर कि आप सभी के एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प करने वाली है। ये बुक स्पेशली बनी हुई है कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को एक बार ज़रूर से परचेज कीजिएगा। और ये मिलेगी कैसे आपको, इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ पर बाय बुक के नाम से लिंक होगी, जिस पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। और मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, ज्यादा प्राइस नहीं है, महंगी नहीं है बुक, आप इसे खरीद के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो गाइज एक उम्मीद जरूर करूंगी कि इसे आप बहुत ज्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को, आपके जितने दोस्त कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ये बुक मिल सके और वो सब अच्छी तैयारी कर सके अपने एग्जाम्स की। इसी उम्मीद से कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग गाइज, एंड keep practicing। Jai Hind।